साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं खबरों की ओर, बात कर लेते हैं यहाँ पर बड़ी खबर की। जो यहाँ पहली बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें कि प्रवीण बहुगुणा सहित 5 आईएएस होंगे सेवानिवृत्त। बता दें आपको कि 5 आईएएस सेवानिवृत्त होंगे आज सेवानिवृत्त। आईएएस प्रवीण कृष्ण को राजस्व मंडल दिया गया, तो साथ ही राजेश बहुगुणा को अनुसूचित जाति का सचिव बनाया गया। आईएएस प्रवीण को राजस्व मंडल में सदस्य बनाया गया, तो वहीं राजेश बहुगुणा को अनुसूचित जाति का सचिव बनाया गया है। हमारा आपको बता दें यहाँ पर प्रवीण बहुगुणा सहित 5 आईएएस को आज सेवानिवृत्त किया जाएगा। साथ ही आईएएस प्रवीण कृष्ण को राजस्व मंडल दिया गया है, राजेश बहुगुणा को अनुसूचित जाति का सचिव बनाया गया है। खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर 5 आईएएस आज सेवानिवृत्त होंगे। आईएएस प्रवीण कृष्ण को राजस्व मंडल दिया गया है, राजेश बहुगुणा को अनुसूचित जाति का सचिव बनाया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जुड़ साथ 5 को आज सेवानिवृत्त किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? आईफेड के एमडी तथा 1987 बैच के आईएएस अफसर प्रवीण कृष्ण जी राजस्व मंडल के 2021 बैच के राजेश बहुगुणा सचिव अनुसूचित जाति एवं 2000 बैच के आईएएस रेणु तिवारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव और 2009 बैच के आईएएस उमेश कुमार सहित जो है 5 अफसरों को आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक एक तरह से अपने सेवा कार्य में जो किया है ये महत्वपूर्ण है। और 1 जनवरी को होने की वजह से दोनों जो है, क्योंकि अवकाश रहने के कारण जो है 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल में सरकार ने नया सचिव बना ही दिया है पिछले दिनों, इस कारण वहाँ के अब बाकी के जो पद हैं उन पर जल्दी ही नियुक्तियां की जाएंगी। अनन्या जी बहुत धन्यवाद कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो बिल्कुल बता दें आपको कि प्रवीण कृष्ण और बहुगुणा सहित 5 आईएएस अधिकारी आज सेवानिवृत्त होंगे। साथ ही बता दें आपको कि यहाँ पर प्रवीण कृष्ण को राजस्व मंडल दिया गया है, तो वहीं राजेश बहुगुणा को अनुसूचित जाति का सचिव बनाया गया है।